हे गाइस, आप देख रहे हैं फिफ्थ न्यूज़। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। बात करेंगे जवान के बारे में कि 9 दिन बचे हुए हैं फिल्म को रिलीज़ होने में और बुक माई शो पे स्पीड दोस्तों आ चुकी है, रफ्तार पकड़ चुकी है और 3 लाख से ज़्यादा बुक माई शो पे इंटरेस्ट आ चुके हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है और ये कहीं भी जा सकता है। ये पठान को भी चैलेंज कर सकता है, जो कि 7,25,000 था और बॉलीवुड का सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा बुक माई शो पे इंटरेस्ट मिलने वाला पठानी है। पठानी वो फिल्म है जिसे सबसे ज़्यादा पब्लिक ने बुक माई शो पे रिलीज़ से पहले इंटरेस्ट किया था। दूसरे नंबर पे रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र है, जो कि 4 लाख थी, लेकिन पठान, माफ़ कीजिएगा, जवान 3 लाख पार कर चुकी है। 3,02,000 से ज़्यादा बुक माई शो पे इंटरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्रेलर रिलीज़ नहीं हुआ है और आज गाने रिलीज़ होंगे, ट्रेलर रिलीज़ होगा, बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर चलेगा, इवेंट होगा, तो इसका इंटरेस्ट और रफ्तार पकड़ लेगा और ये नंबर कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर हम मिनिमम बात करें कि यहाँ से अगर डेली 40,000 भी बढ़े, डेली अगर 40,000 भी बढ़े, जो कि मुझे लगता है कि आखिरी के 2-3 दिन में ये बहुत ज़्यादा करेगा, 60,000, 80,000, किसी दिन लाख भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर डेली 40,000 भी ये करता है तो फिर भी ये 6,60,000 का जो आंकड़ा है वो पार कर जाएगा और ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा पठान के बाद, जो कि बुरा नहीं है। ये सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा और पठान बहुत बड़ी हिट हुई, आप सभी को पता है। पठान ने 513 करोड़ का बिजनेस किया हिंदी मार्केट में और 524 करोड़ के आसपास बिजनेस किया था इस फिल्म ने पूरे इंडिया से। मैं ट्रेड फिगर बता रहा हूँ, ऑफिशियल फिगर नहीं बता रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से। और उस वक्त पे बॉलीवुड पे ताला लग गया था, बॉलीवुड पे ताला लग गया था, सिनेमाघर में ताला लग गया था, ऑडियंस थिएटर नहीं आ रही थी, लेकिन आज वैसा सिचुएशन नहीं है। पठान के वक्त पे, ब्रह्मास्त्र के वक्त पे ऑडियंस फिल्में नहीं देख रही थी, सिनेमाघर लोग नहीं पहुंच रहे थे। अगर आज रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र रिलीज़ होती तो कम से कम 350 करोड़ का बिजनेस 100% करती, लेकिन उस वक्त पे लोग उतना सिनेमा नहीं जाते थे, बॉयकॉट हुआ काफ़ी ज़्यादा, फिल्म को नुकसान हुआ था मुझे ऐसा लगता है, और लोग सिनेमा नहीं जा रहे थे। और अब जाके ऑडियंस सिनेमा जाने लगी है। आप देखिए, ड्रीम गर्ल 2 भी अच्छा कर रही है, गदर 2 अच्छा की है और बहुत सारी फिल्में अच्छा कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। और आप देखना कि जवान का नंबर बहुत बड़ा आएगा, पठान भी दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं होगा, पठान जो कि सबसे हाईएस्ट है, लेकिन पठान मेरे मायने में कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो जवान आपको दिखाएगा बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन की कमाई आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो कमेंट करके बताएं कि बुक माई शो पे क्या आपने इंटरेस्ट किया है और ये नंबर कहाँ तक जाएगा, कमेंट करें। और जैसे ही गाना रिलीज़ होगा इसका रिव्यू रिएक्शन लेके मैं आऊँगा। देखते रहें FF न्यूज़, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब जैसे ही 4 लाख कंप्लीट हो जाएंगे तो अगले एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। टेक केयर।